आदिवासी आजादी के 75 वर्ष बाद भी एक तरीके से समझिए सरकार के लिए सिर्फ कुछ फाइलों में दर्ज आंकड़े हैं, ऐसे आंकड़े जिनके नाम पर लगातार योजनाएं बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जिनके नाम पर बजट अनाउंस किए जाते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जो जनगणना रजिस्टर में दर्ज हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जिन्हें कि वोट बैंक के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों पार्टियों की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो। गोमपाड़ जब हुआ था 2009 का केस है, छत्तीसगढ़ के भीतर बीजेपी की सरकार, जब आदिवासी न्याय की मांग कर रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम आदिवासियों के साथ में खड़े हुए हैं, जब हमारी सरकार बनी हम न्याय देंगे। 2017 से लेकर 2022 आ चुका है, लगभग 5 साल होने को हैं, लेकिन आदिवासियों को न्याय नहीं मिला। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये हम सबके लिए बड़े फख्र की बात है कि हमने आज़ादी के बाद बहुत लंबा रास्ता तय किया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव इस देश ने देखे और एक मुकाम हासिल किया। लेकिन अगर जब हम आदिवासियों के पहलू से देखेंगे, आदिवासियों के नज़रिए से देखेंगे, और ख़ास करके गोमपाड़ के जो आदिवासी यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आए हुए हैं उनके नज़रिए से देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये देश आज भी 1947 के आसपास कहीं खड़ा हुआ है। अब सोचिए कि 2009 में 17 आदिवासियों को मार दिया गया, वो उस पर आरोप लगाया गया कि उन्हें मारने वाले इस देश के सुरक्षा बल हैं, ये आरोप आदिवासियों ने लगाया। लेकिन 13 साल के बाद भी आज आदिवासियों को न्याय नहीं मिला है। और इवन जो जिन लोगों ने न्याय की मांग की थी, जांच की मांग की थी, उन लोगों के ऊपर फाइन लगा दिया गया 5 लाख रुपए का, हिमांशु कुमार जी का जजमेंट हमने पढ़ा इसी महीने की शुरुआत में, और कहा गया कि आपने जो है डिफेम करने की कोशिश की है जो सुरक्षा बल है उन सबको। तो आप समझिए कि क्या सच में हम आजादी पा चुके हैं आदिवासियों के हिसाब से, क्या आदिवासी इस देश का आजाद है? तो पता चलेगा कि नहीं, आदिवासी आजादी के 75 वर्ष बाद भी एक तरीके से समझिए सरकार के लिए सिर्फ कुछ फाइलों में दर्ज आंकड़े हैं, ऐसे आंकड़े जिनके नाम पर लगातार योजनाएं बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जिनके नाम पर बजट अनाउंस किए जाते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जो जनगणना रजिस्टर में दर्ज हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जिन्हें कि वोट बैंक के बतौर इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ आंकड़ों के बतौर उनको इस्तेमाल कर लिया गया। सर, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या आप कुछ राहत मिलेगी? आदिवासी राष्ट्रपति हैं? नहीं, हमारा ये मानना बिल्कुल नहीं है। इस देश का जब कोई भी राष्ट्रपति बनता है, वो किसी भी जात धर्म विशेष का हो, वो पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, लेकिन उससे उम्मीद की जाती है कि वो राष्ट्र के लोगों के साथ न्याय करेगा। पिछले 75 सालों में आदिवासियों के मसले पे ये देखने को नहीं मिला, तो हम ऐसी उम्मीद भी नहीं करते कि शायद जो नई राष्ट्रपति बनी है वो कोई न्याय करेंगे। नहीं, बिल्कुल है। पर प्रचार तो किया जा रहा है? प्रचार किया जा रहा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार है, पॉलिटिकल, वो वोट बैंक को मजबूत करने का प्रचार है, वोट बैंक को बढ़ाने का प्रचार है, ताकि इस नाम पर कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया तो अब आप अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई को छोड़ दीजिए, वो इस तरीके का प्रचार है। इस अमृत महोत्सव में एससी एसटी कहाँ देखते हैं? देखिए, एसटी तो आपको दिख रहा है गोमपाड़ के हवाले से, एससी भी आपको दिख जाएगा, आए दिन सड़क पर मार खा रहा है, ओबीसी भी आपको दिख जाएगा, वो भी इसी तरीके से अपने अपने हकूक के लिए लड़ रहा है। कुछ एक तबके के लोग हैं, कुछ खास सेक्शन के लोग हैं जिन्होंने की आज़ादी की बात से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। आप देख लीजिए जुडिशरी की हालत, कौन लोग हैं जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं, किन परिवारों से आते हैं, क्या सोशल कैटेगरीज हैं उन लोगों की, उससे अंदाजा हो जाता है हम लोगों को। हम बखूबी जानते हैं कि क्या वहाँ कोई एसटी एससी ओबीसी है, तो पता चलेगा नहीं। यही तमाम जगहों पर है, हमारी अगर कहीं भागीदारी है तो हम जेल में सड़ने वालों में सबसे आगे हैं, नाली में मरने वालों में हम सबसे आगे हैं, भुखमरी के कगार पे हमारे लोग ज़्यादा हैं, भूखे मर रहे हैं, खाने को अनाज नहीं है, हम सिर्फ वहाँ तक सीमित हैं। लेकिन जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, वो लोग अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वही उस बात को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं।
वो आपको भी चाहते हैं कि आप उनके सुख में शामिल हो जाएं, आप उनकी खुशी को अपनी खुशी मान लें, आप इस बात पर फक्र करें कि हर घर पे अगर तिरंगा लग जाएगा आपके प्रोफाइल की डीपी भी बदल जाएगी, आप इस पर फक्र महसूस करें, आप भूल जाए आप अपना हक हुकूक आपने लड़ाई, वो ये चाहते हैं। कई लोग करें तिरंगे की आड़ में राजनीति कर रही है बीजेपी। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका काम है राजनीति करना और वो कर रही है। देखिए दरअसल कोई भी इस देश की अगर हम लोग समझें कि कुछ ऐसी प्रतीकात्मक चीजें हैं जो देश की इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करती है, इस देश की यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हो ये रहा है कि लगातार उसको पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, वो किया जा रहा है अपने वोट बैंक, हमने देखा ना लगातार बीच बीच में ऐसी टेस्टिंग होती रहती है, कभी ताली थाली, कभी दिया मोमबत्ती, कभी बिजली बुझाओ बिजली जलाओ, वो सब कुछ चलता रहता है, उसी तरीके की टेस्टिंग है, उसका ये एडवांस वर्जन है। क्या हम लोग पहले से तिरंगा नहीं फहरा रहे थे? क्या हमें तिरंगा की अहमियत नहीं मालूम है? क्या डीपी में तिरंगा बदलने से ही जो है देशभक्ति साबित होगी? ये दरअसल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देशभक्ति जगाई जा रही है, देशभक्ति कम हो गई। किसके अंदर देशभक्ति कम थी? किसी के अंदर देशभक्ति कम थी? देशभक्ति का पैमाना क्या है भाई? देशभक्ति का पैमाना ये है कि मेरे देश को लोग, मेरे समाज के लोग एक बेहतर जीवन जी सके, इसी का नाम देशभक्ति है ना, इसी का नाम तो देश है। देश लोगों से मिलकर के बनता है, किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी का नाम देश नहीं, उस टेरिटरी के भीतर रहने वाले लोगों का नाम देश है, उनके साथ में मिलकर के देश बनता है। अब आप लोगों को हटा करके किसी एक भूखंड पर आप क्लेम करना शुरू करके यही देश है तो पॉसिबल ही नहीं। हर कोई परेशान है तो फिर अमृत महोत्सव कैसा है? देखिए अमृत महोत्सव एक तरीके से ये समझिए कि जो लोग सत्ता में थे, जैसा मैंने पहले बताया, जो लोग लगातार रिसोर्सेज पर कंट्रोल किए गए, ये उन्हीं के लिए अमृत महोत्सव, ये आम जनता के लिए नहीं। क्या ये गोमपाड़ के आदिवासियों के लिए अमृत महोत्सव है? बिल्कुल नहीं। क्या मणिपुर और छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए अमृत महोत्सव है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं है उनके। तो ऐसे में जो सत्ता में जो लोग बैठे, जो हुक्मरान बनकर के बैठे, उनका अमृत महोत्सव है, उनका एक त्योहार उन्होंने सेलिब्रेट करा है, वो चाहते हैं कि आप इसमें भी आप शामिल हो जाए और बस हमारी खुशी को खुशी मान करके जीना। राहुल गांधी बहुत बयान देते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो आदिवासियों के साथ हो रहा है उस पर कोई बयान नहीं देते। देखिए दोनों पार्टियों की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं है, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो। गोमपाड़ जब हुआ था 2009 का केस है, छत्तीसगढ़ के भीतर बीजेपी की सरकार थी, जब आदिवासी न्याय की मांग कर रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम आदिवासियों के साथ में खड़े हुए हैं, जब हमारी सरकार बनेगी हम न्याय देंगे। 2017 से लेकर 2022 आ चुका है, लगभग 5 साल होने को हैं, लेकिन आदिवासियों को न्याय नहीं मिला। ऐसे में ये क्लियर कट समझदारी हमारी है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की पॉलिसीज एक जैसी है, दोनों के पॉलिसीज में आदिवासियों के हिसाब से देखें तो कोई अंतर नहीं है। दोनों आदिवासियों की जमीनों को लूटना चाहती हैं, अपने जो पूंजीपति दोस्त हैं उनको मुनाफा कमाने के लिए देना चाहती हैं। कांग्रेस भी तो अडानी को दे रही है ना ठेका? सब दे रहा है, कांग्रेस हो बीजेपी हो और बाकी कुछ है तो वो सब भी है, सबके अपने अपने फ्रेंड सर्किल है, उस फ्रेंड सर्किल में कुछ कुछ सेलेक्टिव जो है पूंजीपति है उन्हीं को दिया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जुडिशरी आपके साथ नहीं, पुलिस आपके साथ नहीं, प्रशासन आपके साथ नहीं, सरकार आपके नहीं, मीडिया आपके साथ नहीं, तो फिर कैसे न्याय मिलेगा इन आदिवासियों? लड़ेंगे, लड़ रहे हैं गोमपाड़ के आदिवासी, सिलगेर के लड़ रहे हैं, हसदेव के लड़ रहे हैं, मणिपुर से लेकर के मिजोरम से लेकर आपसा के खिलाफ 60 सालों से लड़ रहे हैं ना आदिवासी। तो फिर नक्सली कह दिया जाएगा ना? वो कहेंगे, उनका काम है, वो नक्सली कहकर के मार देंगे, कभी आतंकी कहकर मार देंगे, कभी कुछ और नाम पर मार देंगे, वो मारेंगे। लेकिन भाई एक चीज तो ये बात है कि अगर वो मारने के डर से, जेल भेजने के डर से, क्या हम अपनी लड़ाई छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, हम अपनी लड़ाई जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे।